क्यों बना है ना बहुत ही स्पॉन्जी एंड सॉफ्ट केक। ना तो ये गमी है जो दांतों पे चिपके और ना ही ड्राई। लग रहा है ना किसी महंगी बेकरी में मिलने वाला ड्राई केक। इसमें वॉलनट का क्रंच भी है और बनाना का क्रीमी टेस्ट के साथ बनाना की नेचुरल स्वीटनेस भी। ये केक देखकर आपके मुंह में पानी तो पक्का आ गया होगा। Who got a sweet tooth? मुझे पता है आप सबको मीठा बहुत पसंद है, तो मेरी आज की एक केक की रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है। कभी कभी क्या होता है, हमें कुछ खाने का मन करता है और ऐसा लगता है कि खाना है तो वही खाना है और अभी खाना है। बनाना वॉलनट केक के साथ मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ। एक बार रेस्टोरेंट में ऑर्डर किया और कुछ दिन बाद वही बनाना वॉलनट केक खाने की बहुत क्रेविंग हुई। मैंने सोचा क्यों ना इसको घर पे बना के ट्राई किया जाए। मैंने उसको घर पे बनाया और बहुत ही टेस्टी बना। फ्रेंड्स के साथ रेसिपी शेयर करी, उन्हें भी बहुत पसंद आया। तो ऐसा कैसे हो सकता है मैं आप लोगों के साथ अपनी बनाना वॉलनट केक की रेसिपी शेयर ना करूं? चलो बनाते हैं। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल आशिमास किचन को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप मेरे चैनल पे अपनी पसंदीदा रेसिपीज देख पाए। जब तक हमारा ओवन हीट हो रहा है 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे, लेट्स क्रैक ओपन 4 एग्स इन आवर बाउल। एक चीज का ध्यान रखें कि जो एग का येलो पार्ट है यानी कि योक है, उसको हम ट्रांसफर कर लेंगे दूसरे बाउल में और उसको हम बीट नहीं करेंगे। ऐसा करने से हमारे केक के अंदर अंडे की स्मेल नहीं आएगी। तो अंडों को हमने ब्रेक कर लिया और योक को हमने ट्रांसफर कर लिया है दूसरे बाउल में। अब हम अपने अंडों को बीट करेंगे। उसके लिए आप हैंड विस्कर भी यूज कर सकते हैं और चाहे तो इलेक्ट्रिक विस्कर भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक विस्कर यूज कर रही हूँ। तो हमने इसको विस्क करना है यानी कि फेंटना है 4 से 5 मिनट के लिए। गाइस थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है, इसको आपको इतनी ही पेशेंस से करना है। जितने अच्छे से टाइम लगा के आप इसको फेंटेंगे, उतना ही गूइंग और सॉफ्ट हमारा केक बनेगा। तो लो 5 मिनट हो गए हैं, ये हमने फेंट लिया है। इसको हम कर देते हैं साइड। अब हमें लेना है एक पका हुआ केला। जितना केला मीठा होगा उतना ही केक के अंदर मिठास आएगी। तो केले को हम काट के डाल लेंगे एक बाउल के अंदर। तो केला देगा हमारे केक को एक नेचुरल स्वीटनेस। परफेक्ट, केक को हमने काट लिया है पीसेस में। अब हम करेंगे इसको मैश। तो मैश करने के लिए आप फॉर्क का यूज कर सकते हैं। फॉर्क से मैश बहुत जल्दी हो जाता है। तो इस तरीके से हम इसको थोड़ा सा लिक्विडी मैश करना है, अच्छे से मैश करना है। अब हम लेंगे एक बाउल और उसके अंदर डालेंगे हम बटर। बटर गाइस हमें लेना है जो वो रूम टेम्परेचर का लेना है। तो जब भी आप केक बनाना स्टार्ट करें तो 1 घंटे पहले बटर को बाहर निकाल के रख दें। उसमें डालेंगे हम 1 कप पाउडर्ड शुगर और बटर और शुगर को हम अच्छे से मिला लेंगे। बटर को चीनी के साथ मिक्स करने को कहते हैं हम बटर को क्रीम करना। तो इस प्रोसेस को भी लगेंगे 2 से 3 मिनट। वाओ, देखो क्या परफेक्टली हमारा बटर अच्छे से क्रीम हो गया है। इसको हमें लगातार चलाया है तभी इसकी ऐसी कंसिस्टेंसी आई है। अब हम डालेंगे इसके अंदर 1 कप मैदा यानी कि ऑल पर्पस फ्लावर और 1/2 कप वॉलनट्स यानी कि अखरोट। और फ्लेवर के लिए, अरोमा के लिए डालेंगे हम 5 to 6 drops ऑफ वनीला एसेंस और उसके बाद 1 teaspoon बेकिंग पाउडर, जिससे हमारे केक में आएगी फुलावट। और आखिरी में जो हमने एग का बैटर प्रिपेयर किया था बीट करके, उसको भी अपने ड्राई मिक्सचर के अंदर हम डाल लेंगे। तो लो, हमने अपने मोस्टली सारे इंग्रेडिएंट मिला दिए हैं अपने केक के बैटर को बनाने के लिए। अब बारी आई उस एग योक की जो हमने अलग से निकाला था। इसको हम हल्का हल्का फेंट लेंगे और उसके बाद मिला लेंगे अपने एग बैटर के अंदर। इससे क्या होता है, हमारे केक के अंदर अंडे की स्मेल नहीं रहती और अरोमा अच्छी आती है। और आखिरी में डाल लेते हैं अपने मैश किए हुए बनानास। तो लो, केक बैटर हमारा बनके तैयार है। क्यों है ना बनाना है कितना सिंपल? मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपको ये कैसा लगा, मुश्किल लगा या आसान लगा। अब हम अपने बैटर को अच्छे से मिला लेंगे। हमें सॉफ्ट हाथों से ब्लेंड करना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एज इफ वी आर ट्राइंग टू फिल एयर। तो हम 10 से 15 बार ही घुमाएंगे और उसके बाद ले लेंगे हम अपनी बेकिंग टिन और उसको कर लेंगे हम ऑयल से ग्रीस। आप चाहें तो इसको बटर या घी से भी इसको ग्रीस कर सकते हैं। ग्रीस करने से हमारा केक बेकिंग टिन के साथ चिपकेगा नहीं। और एक और प्रोटेक्शन देने के लिए इसके ऊपर स्प्रिंकल कर लेंगे हम मैदा। मैदा डालने से भी ये मेक श्योर होगा कि हमारा केक हमारी बेकिंग टिन के साथ नहीं चिपक रहा। और साइड में इसको टैप कर करके हम इसकी वॉल्स पे भी मैदे को स्टिक कर लेंगे। तो लो, बेकिंग टिन हमारी बनके तैयार है। अब बस इसके अंदर डालना है अब हमें बैटर।
तो हम बैटर को लेंगे और उसके ऊपर फैला के डालेंगे अपने बैटर को। बैटर की कंसिस्टेंसी देखिए क्या बढ़िया आई है, बिल्कुल रिबन जैसी कंसिस्टेंसी और बिल्कुल मक्खन गिर रहा है हमारी बेकिंग टिन के अंदर। तो बैटर हमने अपनी बेकिंग टिन के अंदर डाल लिया है, अच्छे से निचोड़ के डाल लिया, एक भी बूंद नहीं छोड़ा। और अपनी बेकिंग टिन को करेंगे हम टैप और शेक ताकि सारे एक्सेस एयर बबल्स निकल जाएं। और ऊपर से डालेंगे कह लीजिए गार्निश करने के लिए अखरोट के मोटे मोटे चंक्स। तो लो केक हमारा तैयार है अवन में जाने के लिए। अवन को हमने पहले ही प्री हीट पे लगा दिया था 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो अब हम इसको 70 मिनट के लिए बेक करेंगे। वाह केक हमारा कितना बढ़िया पफ हो रहा है, देख के ही मजा आ गया। क्यों है ना ये केक कितना बढ़िया। केक हमारा हो गया है बेक, अब हम उसको चेक कर लेते हैं। उसके लिए हम बहुत ही ध्यान से केक को अवन से बाहर निकालेंगे और उसको हम रख देंगे कूलिंग ट्रे के ऊपर ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। और इसके अंदर टूथपिक डाल के हम चेक करेंगे कि ये अच्छे से पक गया है या नहीं। अगर ये गीला निकले अंदर से तो मतलब ये थोड़ा सा कच्चा है। केक हमारा अच्छे से बेक हो गया है तो उसकी कॉर्नर्स को अब हम नाइफ से कट कर लेंगे। पर हमें ये सब करना है केक के थोड़े ठंडा होने के बाद, यानी कि 10 मिनट के बाद हम केक को अपनी टिन से बाहर निकालेंगे। ये लो केक आ गया है हमारा टिन से बाहर। वाह क्या केक बेक हुआ है, मेरा तो मुंह में अभी से पानी आ रहा है देख के। तो चलो अब हम इस केक को कट करके भी दिखाते हैं, पहले इसको अच्छे से आसपास से तो देख लें। तो लो केक को हमने कट करना कर दिया है स्टार्ट। ये हमने काटी पहली स्लाइस, कट करते हुए पता लग रहा है कि ये केक कितना सॉफ्ट गूई और टेंडर बना है। मैं आपको केक की एक स्लाइस पास से दिखाती हूँ, अभी आप ये देखना कितना सॉफ्ट गूई और स्पॉन्जी बना है हमारा केक। ये देखा इसका स्पॉन्ज बिल्कुल वैसा जैसा बेकरी में मिलता है। बनाना वॉलनट केक बनके तैयार है, जल्दी से इसको टेस्ट करते हैं कि ये बना कैसा है। ये बनाना वॉलनट केक जो मैंने रेस्टोरेंट में खाया था उससे भी ज्यादा स्वादिष्ट है। तो आप भी इस केक को घर पे बनाने का ट्राई जरूर करना। केक में यूज होने वाले इंग्रेडिएंट्स को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, तो जब भी आप इस केक को बनाएं तो अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ नीचे कमेंट करके जरूर शेयर करें ताकि मुझे पता लगता रहे कि आपको क्या पसंद आ रहा है। एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छी रेसिपीज आपके साथ शेयर करने का। और ज्यादा अपडेट्स पाने के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट आशिमास किचन को भी फॉलो कर सकते हैं। See you in my next video. Until then, take care, goodbye, and happy cooking with Ashima's Kitchen.